नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक ने नोटों की गड्डी लहराई। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अंबेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहा है, मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई है। गोयल ने कहा कि उन्हें यह मुद्दा LGBK सक्सेना के भी सामने उठाया है। गोयल 15 लाख की नोटों की गड्डी झोले में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने झोले से नोट निकालकर टेबल पर रख दिया। उन्होंने नोटों की गड्डियां हाथों में उठाकर कहा, ये वो टोकन मनी है जो मुझे रिश्वत के तौर पर दी गई है। मैंने पैसे के बदले नौकरी दिए जाने का मुद्दा मुख्य सचिव और LG के सामने भी रखा है। मैंने उन्हें पत्र लिखा है, मैं जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा हूँ। वे लोग इतने दबंग हैं कि मेरे साथ भी गलत हो सकता है। मुझे पैसा दिया गया कि आप आवाज मत उठाओ। गोयल ने अम्बेडकर अस्पताल में की जा रही भर्तियों का मामला विधानसभा में उठाया है। गोयल ने आरोप लगाया, यहाँ जिन लोगों को नियम अनुसार नौकरी दी जानी चाहिए उन्हें नहीं दी जा रही है। यहाँ नर्सिंग और दूसरे पदों के लिए टेंडर निकाला गया है। उन्होंने कहा, सरकार के नियमों के मुताबिक 80% भर्तियां पुराने कर्मचारियों की ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिन कर्मचारियों को नौकरी मिलती है उनके वेतन में से ठेकेदार अपना हिस्सा लेते हैं। माफिया और ठेकेदार सेटिंग के जरिए पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं। शिकायत सभी जगह की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।